अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉर्म गेन के ऊपर आप किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं और कितनी लॉट लगानी है और किस तरह आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसका मुकम्मल तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और अच्छे तरीके से तरीका सीख लेना है किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और कहाँ तक जाके इसको क्लोज़ करना है, कैसे इस पर आर्डर लगाना है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे तरीके से देखना है ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले होम वाले बटन पे आना है, होम वाले बटन पे आके देख लेना है ये किस तरफ मार्केट जा रही है। ये देखें कि एलटीसी और बीटीसी के पेयर में देख रहे हैं कि ये -8.91% जो है जोन सा है इसका रेट जो सेल हो रही है, मतलब कि ये पैर जो भी है नीचे की तरफ जा रहे हैं। और इस पे अगर गौर करें तो आपको भी इस तरह ही ट्रेड करनी चाहिए कि जब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, सेल ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप भी सेल ही करें। ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से इसका तरीका बताता हूँ क्योंकि ये ऊपर जाने और नीचे जाने में कुछ सेकेंड ही लगाती है, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। इसलिए ये देखें, अगर कोई ज़्यादा ऊपर की तरफ बाय का आर्डर लगाना है तो ये प्लस वाला निशान होता है, इसको अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि कौन सी मार्केट ऊपर जा रही है और किसकी मार्केट नीचे जा रही है, अच्छे तरीके से देखना होता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने आर्डर लगाना है। सबसे पहले आपने फ्यूचर पर चला जाना है, ये वाले फ्यूचर में, इसमें जाके आपने जो पेयर है वो BTC और USDT में चले जाना है। ठीक है, इसको क्लिक कर लेना है और इसकी जो पावर दी हुई है वो 300 है। ठीक है, स्टॉर्म गेन बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी की जो भी ट्रेडिंग वगैरह करनी है। लेकिन इसकी कोई नेगेटिव भी कुछ हैं इसकी चीज़ें, वो आपको बाद में शेयर करूँगा वो कौन सी हैं, लेकिन ये फ्री में है। इसके अलावा आप इधर से माइन भी कर लें BTC को, जो कि 2-3 दिन के अंदर है ना बन जाते हैं, 2-3 दिन के अंदर $10-15 बन जाते हैं, 10 के करीब तकरीबन बन जाते हैं, फ्री में आते हैं। इसको दोबारा एक्सचेंज करके टीथा में कर लेता है, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इससे। तो काफ़ी अच्छे फीचर हैं इसमें। तो इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, जो मेन टॉपिक है ट्रेडिंग का वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने BTC और USDT का पेयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब देखना है कि मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, ये ऊपर की तरफ गई है, हम इधर सेल पे लगाएंगे, ये सेल का बटन है, ये बाय का। ठीक है, हमने सेल पर लगानी है। अभी लाइव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम इससे प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, ऊपर बैलेंस शो हो रहा है, वो भी चेक करने के कितना हो रहा है ये, कहाँ मार्केट गई है और कितना, मतलब कि कहाँ तक जाएगी, इसका भी हिसाब लगा लें और देखते हैं कितनी प्रॉफिट आती है आपके सामने है। तो ठीक है, सेल लगाते हैं, सेल पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसकी लिवरेज जो है 300 तक जाती है, वो जो कि बहुत काफ़ी दी हुई है। तो आपने क्या करना है, तकरीबन इसको 200 के करीब कर लेना है। अगर आपके पास $10 पड़े हैं तो आपने बस 50 के करीब ही रखना है तकरीबन, और अगर आपके पास 100 के ऊपर हैं तो 100 तक रखें। देखिए रिस्क है इसमें, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है ये कितना रिस्क लेना है, कितनी प्रॉफिट लेना चाहते हैं और कितना। अगर लॉस होता है तब भी 100 लीवरेज का होता है, अगर प्रॉफिट होती है तब भी 100 लीवरेज की होगी, इसलिए आपने हिसाब से लगानी होती है। ठीक है, मैं तकरीबन 96 लीवरेज भर रही है, ये लगा देता हूँ और इसकी अमाउंट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तकरीबन 100 USDT में रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये मेरा ऑर्डर ओपन हो गया है। अब देखें -16 पर जा रहा है अभी। तो ये सिर्फ मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है और इससे किस तरीके से प्रॉफिट गेन करनी है। तो अच्छे तरीके से देख लें, ये आपके सामने चल रहा है। तो इसके अलावा मैं, अगर आपने स्टॉर्म गेन के बारे में कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उसका हल बता दूँगा।
तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपने किस तरीके से मोबाइल नंबर को, फ़ोन नंबर को और ईमेल को और गूगल ऑथेंटिकेटर को किस तरीके से आपने वेरीफाई कराना है। तो वो मैंने तरीका तो बता दिया था कि यहाँ से अच्छे तरीके से बन मतलब कि वेरीफाई हो सकता है। ये देखें, इधर ईमेल वगैरह भी आपने करनी होती है, वेरीफाई करवानी होती है, और ये नंबर वगैरह भी आपने वेरीफाई करवाना होता है। तो उसके अलावा आपने गूगल ऑथेंटिकेटर को भी वेरीफाई करवाना होता है। गूगल ऑथेंटिकेटर से इस तरह करवाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि एक तो कंपनी के अच्छे होने के मतलब के पॉजिटिविटी का पता चलता है, मतलब कि अच्छी कंपनी है, ये ऑथेंटिक चीज़ का पता चलता है। उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी कोई हैकिंग वगैरह जो करते हैं वो आपकी मतलब कि सिक्योरिटी को कुछ नहीं, आपकी सिक्योरिटी इतनी हाईवी हो जाती है कि उसके अलावा कोई आपकी थर्ड पार्टी आपको ना आपके कोई डॉलर वगैरह नहीं चुरा सकती या आपके कॉइन वगैरह भी नहीं चुरा सकती। ये इसके फ़ायदे होते हैं। ये इधर क्लिक करने से गूगल ऑथेंटिकेटर है, तो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपने ये इधर ऑप्शन खुद ही दिया हुआ है कि डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड गूगल ऑथेंटिकेटर, ये ऊपर वाले के क्लिक करेंगे तो ये एंड्रॉयड के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है या डेस्कटॉप वगैरह है, लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह पीसी वगैरह, तो उसके लिए ये आप इंस्टॉल करने नीचे वाला। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने किस तरीके से करना है इसके बाद में मैं आपको वीडियो बना दूंगा अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपने गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे वेरीफाई करना है उसके साथ, और SMS किस तरह आपने मतलब कि फ़ोन के हिसाब से किस तरीके से आपने इसको वेरीफाई करना है। तो हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ऊपर भी देख सकते हैं कि -3.50, मतलब कि अभी लॉस में जा रहा है मैं, लेकिन ये आपके सामने चल रहा है, तो देखते हैं कितनी प्रॉफिट होती है। नज़र इसके ऊपर ही होनी चाहिए कि किधर, जब ये नीचे की तरफ आ जाए तो मतलब कि प्रॉफिट की तरफ आ जाए तो आपने क्लोज़ कर लेना होता है। तो क्लोज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको क्लोज़ करना है। ठीक है, आपने इसके ऊपर ये जो कॉर्नर पे ऊपर दिख रहा है बटन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मतलब इधर हमारी ट्रेड चल रही है तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर लें। फिर सामने नज़र आ जाएंगे तो उसको क्लिक कर लें। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इसके अलावा आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो उसके लिए मतलब कि अगर आपने का लेनी है प्रॉफिट 50 तक जब जाए प्रॉफिट तो ये क्लोज़ हो जाए, तो ये खुद ब खुद ही हो जाती है। तो उसके अलावा अगर स्टॉप लॉस लगानी है तो स्टॉप लॉस को क्लिक कर लेना है, और जब ये इसका लॉस तकरीबन जाए 100 के करीब तो ये मतलब कि क्लोज़ हो जाए, तो उसके बाद आपने सेव कर देना है। ठीक है, उसके अलावा ये एक मेथड है, ये आप मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है, इसलिए इसको ना देखना ही चाहिए कि किधर मार्केट जा रही है किधर नहीं जा रही। तो हमने जो सेल लगाई हुई है वो अभी तो 46 पर चल रहा है, उसका मतलब लॉस चल रहा है। तो नीचे जब ये आती है मैं क्लोज़ करके बताता हूँ। टाइमर भी ऊपर चल रहा है, लेकिन ये टाइमर का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि मतलब कि ये जब टाइमर ख़त्म हो जाएगा टाइम वगैरह तो आपकी वो ख़त्म हो जाएगी, जो ऑर्डर लगाया है वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इंशाल्लाह इस तरह की अच्छे अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी क्वालिटी की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इसका आपको नहीं पता तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आके, इतने ज़्यादा नहीं है, बस ईमेल और पासवर्ड लगाना होता है तो लॉगिन हो जाता है। उसके बाद आपने आते ही ये काम करना है कि इधर जो कॉर्नर पे मोर का ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन में जाकर उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद माइन फ्री बिटकॉइन, ये ग्रीन सा नज़र आ रहा है जो, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके इधर 4R लिखा होगा एक बटन, उस पर क्लिक कर देना है, तो उसके बाद आपकी माइनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी।
दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। तो आपने आर्डर वगैरह तो देखा है किस तरीके से लगाया है, तो उसके बाद मैं आपको इसकी मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये नीचे आएगी मार्केट, क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है और नीचे सेल की तरफ हो रही है। पहले तो इसकी 64,000 के करीब चली गई थी USDT की, मतलब इसकी एवरेज वो लिमिट चली गई थी, बहुत काफ़ी हाई रेट पर चला गया था बिटकॉइन। तो अभी इसकी 55,000 है और 300-400 के करीब है, मतलब कि 55,500 के करीब है। तो थोड़ी सी मैं पॉज करता हूँ, जब भी ये प्रॉफिट की तरफ आएगा तो मैं आपको इसकी प्रॉफिट दिखाता हूँ। दोस्तों एक और चीज़ मैंने बतानी है कि जब आपने कोई भी सेल पे या बाय पे आर्डर लगाना है तो सबसे पहले आपने इस तरीके से इसको जूम आउट कर लेना है। जैसे जूम आउट करोगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कहाँ तक मैंने किधर, मतलब कि ये मार्केट आ रही किस तरफ आ रही है और कहाँ तक मैंने इसकी वो लिमिट लगानी है। तो इसको अच्छे तरीके से चेकआउट कर लिया करें और जूम आउट करके आप लगाया करें। मतलब बाइक की अगर लगानी है तो सब जब देखा कि बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चली गई है तो वहाँ जाके बाइक के ऊपर लगा सकते हैं आप। उसके अलावा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। +3 के मतलब कि इस पर प्रॉफिट आ गई है तो मैं इधर से यहाँ से क्लोज आउट कर लेता हूँ। ये ऊपर दोबारा फिर से जा रही है तो टाइम ओवर कर दिया मैंने, ये नीचे आएगी फिर दोबारा आ जाएगी, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने वेट करना है, पेशेंट रखना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर प्रॉफिट होगी। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं इंशाल्लाह अच्छे अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा कि कैसे आपने ट्रेडिंग वगैरह करनी है, क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और इसके अलावा ओक्टा FX पे कैसे करनी है या FBS लेवल पे, मतलब कि अच्छे अच्छे ब्रोकर का भी बताऊंगा और कंटेस्ट वगैरह के अंदर भी फ्री में बताऊंगा कि कैसे आपने बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे आपने वहां से इनकम इंक्रीज़ करनी है अपनी और ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो मार्केट ऊपर नीचे आती रहती है, इसकी आपने बिल्कुल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैं इसको भी थोड़ी सी प्रॉफिट आती है तो क्लोज आउट करता हूँ। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कमेंट करके वो पूछ सकता है कि कोई मसला है तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर बताऊँगा। इसको क्लोज आउट कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो से बंदा बोर हो जाता है, उसको समझ नहीं आती, इसलिए अगर क्लोज आउट करना है तो सिंपल सा बटन मैंने पहले भी बताया है, जब भी कोई ऑर्डर को आपने ख़त्म करना है तो ये रेड कलर का है जो क्लोज आउट का, इसको क्लोज कर देना होता है। देख सकते हैं आपके सामने जो प्रॉफिट हो रही है 280 के करीब हो रही है, 600 के करीब हो गई है, ठीक है। ये देख सकते हैं जो अभी मैंने की है वो तकरीबन 1125 के करीब चली गई, लेकिन आपने जो लीवरेज है वो 50 के करीब रखनी है। ये तो सिर्फ मैंने एक वीडियो बना के बताई है कि किस तरीके से आपने करनी है, लीवरेज आपने 50 की रखनी है और BTC जोन सी है वो आपने 10 तक रखनी है। उसको रखने का मैं तरीका बता देता हूँ इस वीडियो में, किस तरीके से आपने जो लीवरेज और अपनी करेंसी सिलेक्ट करनी है, USDT कितने रखने हैं। तो एक मिसाल आपने इधर से लगाना है, सेल पे लगाना है, तो सेल पे क्लिक करके
उसके बाद आपने कर देना है यहाँ पे क्लिक अमाउंट टू इन्वेस्ट, कि आपने कितनी इन्वेस्ट करनी है। तो या नीचे आपने ये पैड नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके 10 को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने डन कर देना है और उसके बाद इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपकी जो इन्वेस्ट है वो $10 होगी है, इससे ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते, ये इतनी रहती है। उसके बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये ट्रेड लग जाएगी। ठीक है, लिवरेज वगैरह चलो एक मिसाल वो ज़्यादा भी हो तो आपने 10 USDT से ऊपर ज़्यादा नहीं लगानी। तो दोस्तों अच्छे तरीके से देख लेना है तरीका, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो उसके बाद ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बाइनांस का अकाउंट बनाने का तरीका और उसमें ट्रेडिंग करने का तरीका बताऊंगा। उसके अलावा ऑक्टाफेक्स पे भी बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग वगैरह करनी है और फ्री में कैसे बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे अपने उधर से डॉलर कैसे कमाने हैं। और उसके अलावा और भी कई वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बगैर इन्वेस्टमेंट किए जो डॉलर वगैरह हैं ख़रीदने हैं लेने हैं। तो इसको भी मैं क्लोज आउट कर देता हूँ। ये भी तकरीबन $3 के करीब मैंने क्लोज आउट कर दिए, जो कि दिए उन्होंने $1 है। ये इनका कमीशन वगैरह कुछ होता है, पोटेंशियल प्रॉफिट है और कोई बात नहीं।